ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में जो थप्पड़ कांड हुआ उसकी गूंज कितनी दूर तक सुनाई पड़ेगी। हमारे साथ गुरविंदर सिंह बाली साहब जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत चपलतापूर्वक सफाई दी है और ये बात साफ साफ कही है कि छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़ी बड़ी पार्टी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात कही है। लेकिन बाली साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी बड़े नेता हैं, विधायक पद है और इसके बाद दूसरे जो रंधावा साहब हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं थप्पड़ मारा है, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि कार्यकर्ता स्तर पर या फिर जिस स्तर पर ये दोनों नेता हैं कि ये थप्पड़ कांड भुलाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है कि ये संभाविक है, जब इतनी बड़ी भीड़ होती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जैसे गद्दावर नेता जब वहां जाते हैं तो लोहड़ होती है लोगों के अंदर कि भाई हमें तो हाथ मिलाना है, हमें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास जाना है। तो ये संभाविक बातें हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। मैं माननीय गुलाटी साहब से जो सेवा दल के अध्यक्ष हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और माननीय लीडर अपने रंधावा साहब हैं, वो तो चलो हमारे विधायक भी हैं और बहुत अच्छी बैकग्राउंड है उनकी। फादर साहब उनके प्रेसिडेंट थे हमारे पंजाब कांग्रेस के और खद्दरधारी थे, बड़े हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग थे। तो मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आइंदा के लिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें आपस में बैठ के हम लोगों को इसको सुलझा लेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की प्रधानगी हो और ऐसी बात हो और वो बात सुलझे ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप मान के चलिए आने वाले एक दो दिन के अंदर ये बात सुलझ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब बड़े नेता मौजूद होते हैं, आप कहते हैं कि उत्साह बहुत ज्यादा होता है, कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई उनके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल कार्यकर्ता स्तर के नेता नहीं थे। एक जिला प्रधान थे, एक विधायक हैं, कहने के अपने बड़े नेता के सामने पहुंच इनकी इतनी कम नहीं थी। लेकिन इस स्तर पर अगर अपने सर्वोच्च नेता के सामने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने इस तरह से थप्पड़ कांड होता है तो क्या इसे अनुशासनहीनता माना जाए? नहीं नहीं ये देखिए, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, ये हमारी पार्टी का मसला है। ये टीवी ने जरूर उठा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जरूर इसको उठा लिया है और संभव भी है कि आप इसको उठाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी, हाँ ये हमने किसी दूसरी पार्टी के को थप्पड़ मारा होता या दूसरे किसी एमएलए ने मारा होता तो एक बात दूसरी थी, हमारी इंटरनल पार्टी का मसला है, हम इसको सुलझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाली साहब, लेकिन क्या नहीं, आप तो लगातार इतने वर्षों से सक्रिय हैं, कद्दावर नेता आप भी हैं, कहीं ना कहीं आपका भी बड़ा दबदबा है, महत्व है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा कि इस तरह का थप्पड़ कांड हुआ हो जिसमें एक विधायक, एक जिला अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष को इस तरह से थप्पड़ मारता हो सरेआम टीवी के कैमरे के सामने? कभी आपने ऐसा कोई मिसाल देखी है? मान्यवर, मैंने बिल्कुल आपको आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्द में यह कह दिया है कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। दूसरी बात यह है कि दूसरी स्टेटों में तो गोलियां चल जाती हैं, आप देखिए यूपी में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, हर स्टेट में होता है। अगर ये थप्पड़ चीज हुई है, माननीय जो गुलाटी जी हैं उनके साथ हुआ है और रंधावा जी ने किया, हम तो इसकी निंदा कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि किसी भी वर्कर के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो हम अपनी कांग्रेस की तरफ से, अपनी कांग्रेस के अंदर ही उसको सुलझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर अमरिंदर सिंह साहब बड़े गद्दावर नेता है, वो सुलझ जाएगी, हो सकता है उनको फोन भी चला गया हो, भी खत्म करो इस बात को, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बाली साहब, बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जिस तरह कह रहे हैं कि निपटा लेंगे इस पूरे मामले को, हमको भी लगता है कि निपट जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने जो आंसू देखे गुलाटी साहब, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं गुलाटी साहब की आंखों में आंसू थे, कहीं ना कहीं बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कैप्टन साहब कार्रवाई अगर नहीं करेंगे, माफी मांगने से यहां बात नहीं चलेगी। अगर आपने उनकी बाइट सुनी हो, उनकी आंखों के आंसू को अगर आपने देखा हो तो काफी दिल पे थप्पड़ उनके गाल पे, उनके दिल पे लगा है। मैंने सुनी है, मैंने नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर कांग्रेस का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, अगर कांग्रेस का वर्कर भी हो, मैं ये कहूंगा अगर ओहदा भी ना, अगर उसके साथ भी ऐसा कभी हो तो दिल पे जरूर चोट लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ हैं, गुलाटी जी के साथ हैं। हम फिर भी रंधावा जी से भी रिक्वेस्ट करें कि आप संयम बरतें कि पार्टी के अंदर कभी भी ऐसी बात ना हो। लेकिन बाली साहब, ये आपको थोड़ी सी बेईमानी नहीं लगती है कि आप रंधावा साहब के साथ तो हैं, लेकिन गुलाटी साहब के साथ तो आप हैं लेकिन रंधावा साहब से सिर्फ कहेंगे कि दोबारा ऐसी बात ना हो? उन्होंने थप्पड़ मारा है उनको और जोरदार थप्पड़ मारा है। नहीं, मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, मैं तो आपके चैनल में ये कह रहा हूं कि दोबारा पंजाब के अंदर इन स्टेट कभी भी ऐसी घटना ना हो,
होड़ जरूर होती है कि अपने लीडर को मिलना। एक कुदरती शख्सियत ही ऐसी है कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के, लोगों की भीड़ लग जाती है, लोगों में धक्का शक्की हो जाती है, लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये संभाविक बातें होती हैं पार्टी के अंदर और ये होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाली साहब, आप मुस्कुराकर कुछ भी बोलते हैं तो सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, आप फिर भी मुस्कुरा के बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर गुलाटी साहब इस बात को सुन रहे होंगे तो उनके दिल में थोड़ा सा मरहम जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक बार भी अभी तक आपने ये बात नहीं मरहम नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल आपने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि रंधावा साहब को माफी मांगनी चाहिए। बाली साहब, ये नाइंसाफी है। नहीं नहीं, मैंने आपके सामने निंदनीय कह दिया ना। नहीं, आपने नहीं कहा कि रंधावा साहब को उससे माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के अंदर ऐसा नहीं, चलो अगर एज का हिसाब तब होगा तो रंधावा साहब एक अच्छी बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं, गुस्सा गिला हो भी जाता है, ये भी हो सकता है तो हो भी जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, इंटरनल मामला है हमारी पार्टी का, इंटरनल मामला। चलिए, बस छोटे से ब्रेक का है, इंटरनल मामला बताया जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन एक बार भी अब तक बाली साहब ने, जो कि खुद एक बड़े नेता है और कहीं ना कहीं उनका भी एक रसूख है, ये कहने को तैयार नहीं कि गुलाटी साहब के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, हालांकि गलत कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने थप्पड़ मारा, जिन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा, जिन्होंने जमीन पर गिरा दिया, कहीं ना कहीं जो दिल पर थप्पड़ लगाया उन पर, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, यह बात अब तक एक बात भी नहीं बोली। आखिरकार इसकी वजह क्या है, ब्रेक के बाद में जानने की कोशिश करेंगे।